खबर उमरिया से है, जहां इंदौर की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात अपराधी पवन पाठक को पकड़ा है। बता दें कि उमरिया से पुलिस टीम इंदौर के लिए रवाना हुई थी, जिसके बाद शातिर अपराधी माने जाने वाले पवन पाठक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सर पर कई संगीन अपराध पंजीबद्ध है। वे 3000 के इनामी अपराधी थे। 3 साल पूर्व उमरिया के खैरभार रेत खदान कांड में गैंगवार हुई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, वहां ग्रामीण दहशत में जी रहे थे। खैरभार गैंगवार में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, साथ ही कई लोग जख्मी भी हुए थे। तभी से मुख्य आरोपी पवन पाठक फरार चल रहे थे, जिसको लेकर उमरिया पुलिस इंदौर रवाना हुई, जिसके बाद इंदौर की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात अपराधी पवन पाठक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की जा रही है और इनकी टीम उस आरोपी तक पहुंची है, और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में पुलिस अधीक्षक उनकी टीम जो सक्षम जो पूरे पर्याप्त आधार हैं उनको प्रस्तुत करने में कामयाब होगी, और इसमें जो मजरू हैं या जो परिजन हैं उनके, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मौजूद हैं उमरिया जिले के नगर नौरजाबाद से TV1 इंडिया न्यूज। आगे की बड़े ही प्रमुखता से हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं कि जहां अवैध उत्खनन से फिल्मी स्टाइल में हुआ था एक गोली कांड, 3 साल के बाद 30,000 का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार पुलिस के शिकंजे में। पुलिस हुई रवाना इंदौर, साइबर सेल ने दी जानकारी। TV1 इंडिया न्यूज उमरिया से फैज मोहम्मद की खास रिपोर्ट।